हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स में 7 चैप्टर इंटीग्रल्स को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.9 को स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने उसमें देखे थे और मैंने कहा था कि डेफिनेट इंटीग्रल्स पर बेस्ड एक्सरसाइज है, कोई नए कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। जितना आपने सीखा उसका एक तरह का मिसलिनियस पार्ट ये आप कह सकते हैं वो है, और साथ ही साथ यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल्स में लिमिट का यूज हो रहा है। मैंने आपको बताया है कि लिमिट को कभी जब क्वेश्चन सॉल्व करते समय सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ तो लिमिट को भी सब्सटीट्यूट करो, और अदरवाइज मैंने बोला था कि सब्सटीट्यूट करने के बाद उसी फॉर्म में ले आओ लास्ट में, अगर आप लिमिट को नहीं बदलना चाहते हो तो। ठीक है, आपको समझ में आएगी बात, अदरवाइज मैं करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन इनिशिएट कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 15 से, क्योंकि 14 तक हमने लास्ट टाइम देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखते ही समझ में आ गया, देखते ही समझ में आ गया। आप बताइए आपको क्या समझ में आया, आपको समझ में आया कि एक्स स्क्वायर को कुछ सपोज कर लें, टी सपोज करेंगे, 2x dx आएगा, x dx दिखाई दे रहा है, dt बन जाएगा, e की पावर t dt, ऐसी फॉर्म आ जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ से, ठीक है ना। देखिए आपको ना आनी चाहिए बातें, क्योंकि हम बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज में पहुंचे, हम पहुंचे 7.9 में, और यहां तक ना आपने जितना सीखा मेरे साथ, आपने एक ही क्वेश्चन किया, तो फिर आप मान ही नहीं सकता मैं कि कोई क्वेश्चन आप छोड़ दे एग्जाम में, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर जो लिखा गया आप इसे टी सपोज कर ले, तो 2x और यहां पर dt by dx आएगा, और वो dx यहां शिफ्ट हो सकता है, ये बन गया। अब स्टूडेंट जैसे ये बना, जैसे कि प्लानिंग अपनी है कि एक्स dx को हाफ dt बोला सकता है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं t क्योंकि मैं सब्सटीट्यूट करा कि नहीं करा मैंने बताया, तो इसलिए लिमिट को भी मुझे सब्सटीट्यूट करना चाहिए, लिमिट को बदलना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं कि लिमिट बदले या फिर एक और काम कर सकते हैं जो कि मैंने लास्ट टाइम किया था, जिसे मैं अभी तक फेवर कर रहा था, अभी मैं इस बार दूसरे सेंस में कर रहा हूं, यानी कि मैं लिमिट्स को भी चेंज करूंगा, वरना मैं क्या कर सकता था, लिमिट चेंज ना करता तो लिमिट्स एक्स की रहती फंक्शन टी का बन जाता, फिर लास्ट में टी के फंक्शन को हटाकर एक्स की फॉर्म में ले आता और फिर लिमिट प्लेस करता। ध्यान रखिए लिमिट प्लेस करते समय जिस फंक्शन की लिमिट होगी उसी में प्लेस हो पाएगी, जैसे एक्स की लिमिट है तो एक्स के फंक्शन में ही आ सकती है। अब ऐसा नहीं कि यहां से आपने टी का फंक्शन लाकर सॉल्व कर लिया और लिमिट ये वाली डाल दी एक्स वाली, गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस बार मैं ऐसा कर रहा हूं कि लिमिट भी चेंज कर देता हूं, अदरवाइज दूसरा काम जो हो सकता था वो लास्ट टाइम किया था, तो इस बार मैं रिप्लेस कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि अगर एक्स जीरो होता तो टी कितना होगा, क्योंकि फंक्शन टी का बन रहा है तो लिमिट भी टी की आनी चाहिए। अगर एक्स जीरो होगा ये वाला तो टी हो जाएगा जीरो, और अगर x होगा 1 जो कि यहां लिखा है तो t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा 1 स्क्वायर, दैट इज 1 अगेन। तो इसका मतलब इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ा, 0-0 ही रहा, 1-1 नहीं रहा, लेकिन ये कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस है, ध्यान रखना, ठीक है, हमें आना चाहिए करना। अब हम आराम से बोलेंगे कि वो 0-1 को हमने बदला, लेकिन 0-1 ही आया, लेकिन हमें पता है कि हमने बदला है, ये t की वैल्यूज है और फंक्शन जो बनने वाला है वो x dx कैन बी रिटन इज हाफ dt और e की पावर एक्स स्क्वायर e रेस टू दी पावर टी, क्योंकि एक्स स्क्वायर को टी कहा था, बस पता है फंक्शन टी का है, वैल्यूज भी टी की रखी हुई है, क्लियर है। सॉल्व करना है, e की पावर टी का आंसर e की पावर टी ही होता है, इंटीग्रेट करने के बाद हाफ बाहर ऐसे बचा था, लिमिट्स रखी 0 to 1, बस क्लियर है। आंसर सॉल्व करता हूं इक्वेशन को, हाफ लिखा e की पावर टी मतलब e की पावर 1 लिखा, माइनस कर e की पावर 0 लिखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वेरिएबल के प्लेस पर, हाफ हाफ हुआ e की पावर 1, e की पावर 1 हुआ मतलब e ही हुआ, e की पावर 0 कितना हुआ 1, तो 1 ये हो गया, मतलब बस ये आंसर आपका, आंसर समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 5x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन जो कि हो सकता है, 5x स्क्वायर ओवर, ठीक है ना, क्वेश्चन तो इजी है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी इस एक्सरसाइज के बिहाफ पर कह रहा हूं कि क्वेश्चन ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx ऑफ इंटीग्रेशन, और लिमिट्स आपको दी गई है 1 to 2 दिया गया था, 5x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और 1 टू 2 बिल्कुल सही है, ठीक है, इसे स्टूडेंट सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन को रीड करना, शुरू के 4 to 5 सेकंड्स आपको क्वेश्चन को रीड करना है, तुरंत मत करना, ऐसा नहीं कि एक बार में आपको कुछ हल्का सा दिखाई दिया, किसी को समझ में आया ही नहीं, कुछ क्वाड्रेटिक के फटाफट में आते हैं, पूरी स्टोरी एक बार में माइंड सेट हो जाना चाहिए कि हमने करना क्या है अगले 5-10 मिनट में काम। तो वो स्टूडेंट्स ये है कि ये 5x स्क्वायर ही नीचे, मुझे तुरंत समझ में आया ये क्वेश्चन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से होने लायक था, फिर मुझे समझ में आया कि 7.4 से तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर फंक्शन की पावर ज्यादा नीचे भी ज्यादा, मतलब दोनों बराबर फंक्शन की पावर, तुरंत समझ में आया कि पावर जब दोनों की बराबर होती है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, तो नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं, इम्प्रॉपर टाइम फंक्शन, इम्प्रॉपर फंक्शन का एग्जांपल। मैंने कहा था कि कभी भी नीचे वाले की पावर ज्यादा अगर हो जाए
जैसे कि मैं कहता हूं कि अगर सोचिए नीचे वाला कम पावर का, ऊपर वाला ज्यादा पावर का, तो नीचे वाला उसे डिवाइड कर सकता है, तो करेंगे डिवाइड। दोनों की पावर सेम है, डिवाइड हो सकता है तो करेंगे डिवाइड। कब नहीं हो सकता था डिवाइड? जब नीचे ज्यादा पावर हो, ऊपर कम पावर हो, नीचे ज्यादा हो ऊपर कम हो, तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो उसे किस में नहीं होता फिर? जैसे नीचे ऊपर लीनियर हो, नीचे क्वाड्रेटिक हो, तो क्वाड्रेटिक लीनियर को डिवाइड नहीं कर पाएगा ना, बड़ी पावर छोटे को नहीं कर पाती डिवाइड। ये चीज हमने सीखी है, मैं रिकॉल कर रहा हूं, समझा नहीं रहा अभी दोबारा से, ध्यान रखना, ये तो मैं रिवाइज करवा रहा हूं। अभी क्योंकि पावर सेम है तो डिवाइड हो सकता है, और डिवाइड अगर हो सकता है तो कर लेते हैं। मतलब क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को मैं डिवाइड करूंगा, से डिवाइड करूंगा 5x स्क्वायर को। जैसे ही डिवाइड करूंगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर 5 टाइम्स डिवाइड होगा, 5x स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये 5 भी इनसे मल्टीप्लाई होंगे, 5 4 से 20x होगा, 5 3 से 15 होगा, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 20x आ जाएगा और ये माइनस का 15 हो जाएगा। ये वैसे ही बात हो गई कि अगर यहाँ 7 लिखा होता, यहाँ 3 लिखा होता, यहाँ 2 लिखा होता, यहाँ 6 लिखा होता, यहाँ 1 लिखा होता, तो 7 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 प्लस 1। तो वही चीज यहां भी हो सकती है कि 5x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 5 टाइम्स दिस, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और प्लस कर रिमाइंडर, यानी कि प्लस कर ये चीज माइनस का 20x माइनस का 15, इजंट इट क्लियर है कि नहीं है? देखिए सुनो, बस यही तो करते थे हम। ये वही वाला क्वेश्चन है जिसमें मैं कहता था कि मैजिक हो रहा है, ये वही वाला क्वेश्चन है, याद होगा आपको अगर पढ़ा था आपने मेरे साथ। तो बस समझ में आ गया, डिवाइड करने से फायदा ये होता है कि अब 5x स्क्वायर को जैसे ही ये लिखेंगे ना, एकदम से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, सब पूरी स्टोरी क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चन आ कहां से रहा है ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर है और हम जानते नहीं कि किस एक्सरसाइज का है, क्या ये कहना चाहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तभी कहता हूं कि एक एक दो दो क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा, सारे क्वेश्चन क्या करो एक्सरसाइज के। बनाने वालों ने जब हमारे क्वेश्चन बनाया है एनसीईआरटी की बुक, तो बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों ने बनाई है बुक, ध्यान रखना, तो उन्होंने अपने हिसाब से बुक को क्वेश्चन दिए गए हैं कि उन्हें लगता है कि जहां पर जितने प्रैक्टिस की नीड है उतने हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन दिए हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो इस बात का ध्यान रखा करें, ठीक है ना? समझ में आ गया कि 5x स्क्वायर को आपने क्या करना है, 5x स्क्वायर को वो लिखना है, तो 5 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और वो जो चीज लिखी है ना माइनस 20x, ऐसा करता हूं माइनस 5 कॉमन ले लेता हूं उसमें, ठीक है? तो अंदर 4x बच जाएगा और यहां प्लस 3 बच जाएगा, क्लियर है ना? माइनस 5 इंटू 4 दिस, और ये समझ में आ गया, ये कितना लिखा था 15 था, ठीक है, इसीलिए माइनस 5 इंटू 3, क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ये तो मैंने 5x स्क्वायर की वैल्यू लिखी, dx आगे से लगा लेता हूं और इंटीग्रेशन का साइन आगे से ऐसे लगा लेता हूं, तो मुझे पता चला डिनोमिनेटर में वो है। तो ये वही क्वेश्चन जिसमें मैं कहता था मैजिक होता है, और कब होता था? जब डिनोमिनेटर को स्प्लिट करते थे, डिनोमिनेटर स्प्लिट करते ही कुछ अच्छा सा काम हो जाता था जो आपको शायद दिख चुका हो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमेशा होता है, ध्यान रखना, अभी अचानक से नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स देखिए कैंसिल तो हो गया, अब साथ ही साथ इंटीग्रेट भी कर लेता हूं सेपरेटली, वो dx को इसके साथ सब्सटीट्यूट कर देता हूं, माइनस 5 यहां बचा हुआ है 4x प्लस 3, ठीक है? नीचे वाले क्वाड्रेटिक बना हुआ है उसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कोने में लाकर इसे देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, इसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स बोला जा सकता है प्लस 3 के साथ, यहां से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3 बच सकता है, यहां से 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 3 बच सकता है, x प्लस 3 दोनों जगह से कॉमन आएगा तो x प्लस 3 x प्लस 1 बचेगा, क्लियर है कि नहीं? ये इतना हो गया बस, अब बहुत ही इजी हो गया कि नहीं? ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन में आ गया? ये क्वेश्चन ओवरऑल पार्शियल फ्रैक्शन का ही है, बस फर्क क्या हो रहा है, फर्क लिमिट्स का है, 1 टू 2 लिमिट रखी हुई है, 1 टू 2 लिमिट लगी हुई है, ये बस। ये डेफिनेट इंटीग्रल कोई अलग इंटीग्रल इंटीग्रेशन नहीं है, ध्यान रखना, ये वही है जो कुछ हम पढ़ते थे, समझ में आ रही ना बात? बस लास्ट में लिमिट प्लेस कर देनी है, ठीक है? ठीक है, चलिए मैं बाद में एक बात बोलूंगा आपको, ठीक है? इतना समझ में आया? अभी इसको सॉल्व करना है ना, तो ऐसे करता हूं कि इसका तो सॉल्यूशन आप जान सकते हैं, देखिए मेरी बात समझिए, dx को मैं कितना लिखूंगा, x लिखूंगा, नहीं लिखूंगा इंटीग्रेशन करके, यहां 1 आएगा, यहां 2 आएगा, इसको मैं i मान रहा हूं, सॉल्व करूंगा ना i मानकर, यहां पर लोअर लिमिट अपर लिमिट रखता हूं, एक बार 2 रखूंगा माइनस कर एक बार लोअर लिमिट, 5 2 माइनस 1 इज 1, तो 5 1 जाए 5, रिजल्ट आया 5 और माइनस में आई, ध्यान रखें आई ये है, आई ये सपोज किया गया, ठीक है? अब मैं आई के लिए सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन को, आई के लिए सॉल्व कर रहा हूं, आई का मतलब हुआ 5 को भी इंक्लूड कर रखा है, इस वाले 5 को भी इंक्लूड कर रखा है, ध्यान रखना आई में, और फिर मुझे मेरे पास जो चीज है वो ये है, ये मेरा आई है, इसे स्टूडेंट्स मुझे सॉल्व करना है, ठीक है? क्लियर है ना बात? 1 2 2 तक, समझ रहे बात?
इसका आंसर जैसे ही आएगा, यानी कि इसका आंसर आ गया और फिर उसमें मैं इस 5 को ऐड कर दूंगा जो ये निकल कर आया। मेरी बात क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो 5 ऐड कर दूंगा, जो भी आंसर आएगा ना ये वाला, उसमें 5 ऐड कर दूंगा, मतलब नेगेटिव के साथ है भले ये वाला, यहां रख दूंगा इसके आगे। मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? कुछ मान लो इसे, चलो इक्वेशन 1 मान लो, आराम से समझ जाना। आई की जो भी वैल्यू निकल कर आने वाली है उसे उठाकर सीधे आई के प्लेस पर रखूंगा और 5 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, बस मुझे क्या करना है आप समझ गए, क्लियरिटी रखना, ठीक है ना दिमाग में। देखिए जरा क्या हो रहा है, देखिए स्टूडेंट्स अभी मुझे इसे सॉल्व करना था, मैं तुरंत समझ गया कि 4x प्लस 3 को ऐसे लिखता हूं अपॉन में x प्लस 3 टाइम्स x प्लस 1 बचा। अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहा, अभी पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं। मुझे समझ में आ गया ये इस तरह का फॉर्मेशन है, a अपॉन x प्लस 3 टाइम सॉरी प्लस b अपॉन x प्लस 1। थोड़ा दिखे वैसे, कोशिश करें वैसे तो दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ जो चीज लिखी हुई थी मैंने इसे a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 1 लिखा हुआ है वहां पर। अब अगर सॉल्व करूं तो मुझे समझ में आएगा कि ये जो क्वांटिटी है यहां से तो 4x प्लस 3 बचेगा ऐसे कर और वहां से a के मल्टीप्लाई में x प्लस 1 जाएगा और b के मल्टीप्लाई में x प्लस 3 आएगा, ये यहां। और नीचे की क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होगी ना और ये इस मल्टीप्लाई से कैंसिल हो जाएगी। हमने बहुत प्रैक्टिस किया ऐसे क्वेश्चंस पर। फिर मैं बताता था आपको ये क्वेश्चन, मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ ये मैं सिखा नहीं रहा, रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं बोल रहा हूँ कि इसको जीरो करवाएंगे, कब होगा जीरो, जब x कितना होगा -3। अब ये क्यों बोला मैंने, ये लास्ट टाइम हम बहुत सीखा हमने इस बारे में, ठीक है अभी नहीं समझ पाएंगे अगर आप पहली बार देख रहे हैं। तो मैंने कहा ये जीरो करवा दे तो इसके लिए कब जीरो होगा, जब एक्स -3 होगा। तो एक्स -3 प्लेस करें इस पर, तो एक्स -3 प्लेस करेंगे तो 4 × -3 कितना होगा -12, -12 + 3 कितना होगा -12 + 3 कितना होगा -3। क्वेश्चन नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो हम कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर है आपका, एक मिनट में पहले चेक कर लूं, हम कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन है, ठीक है 16 क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है 7.9, ठीक है ना, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात आपको, तो मैंने यहां पर -9 हुआ, यहां पर मैं जब वैल्यू प्लेस कर रहा हूं a हुआ और -3 जब मैंने यहां रखा, -3 + 1 कितना हुआ -2 और -3 यहां रखने से 0 हो गया, इसीलिए हमने करते भी हैं ताकि एक जना एलिमिनेट हो जाए उसमें से। ये बातें आप जानते हैं, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं उनको क्योंकि वो हमने डिटेल डिस्कशन उस पर किया है। a इज इक्वल टू 9/2 कहां किया था, जब हम एक्सरसाइज 7.6 कर रहे थे, 7.5 कर रहे थे, ठीक है इतना आ गया। अभी सेकंड थिंग, हमें x को इतना रखा, अभी x को क्या रखना चाहिए, वो रखना चाहिए जिससे वो जीरो हो जाए, वो जीरो कब होगा x-1 पर। तो ये अगर यहां पर प्लेस करेंगे तो 4 × -1 इज -4, -4 + 3 इज -1, ठीक है। अभी -1 यहां रखेंगे तो -1 + 1 जीरो हो जाएगा, गायब हो जाएगा, -1 यहां रखेंगे -1 + 3 कितना हो जाएगा 2 प्लस का, तो 2 × b हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स b कितना आ जाएगा, b माइनस का हाफ हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू आ गई, बस समझ में आ गया कि ये जो चीज थी जिसे कि 4x प्लस 3 कहते थे आप और x प्लस 3 कहते थे और टाइम्स x प्लस 1 कहते थे ऐसे कर, ये चीज किसके इक्वल आई समझ में आया, a अपॉन x प्लस 3, यानी a का मतलब हुआ 9/2 अपॉन x प्लस 3 मतलब x प्लस 3 और प्लस कर b की वैल्यू है -1/2 और x प्लस 1 इसके इक्वल आ गया। क्लियर, हमने इसे कन्वर्ट कर, अब ये इंटीग्रेट करना आसान है कि नहीं बताइए मुझे, क्या करना था इसे 5 से मल्टीप्लाई करना था, लीजिए मैंने 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई किया, इस तरफ भी 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए दोनों के साथ, हो गया। मुझे इस चीज को इंटीग्रेट करना था तो इसको भी इंटीग्रेट कर लेता हूं, ओवरऑल हो गया। लिमिट इस पर 1 to 2 लगानी थी, इस लिमिट 1 to 2 मतलब ये जो चीज थी ये मैंने वहां निकाल दी। अब समझ में आ गया कि जो ये चीज है इसको अगर सॉल्व करना है तो इसे इजिली ये बोलना ज्यादा बेटर रहेगा। देखिए दोनों तरफ से ना 2 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लेता हूं उसे, ठीक है 1 to 2 लिमिट गई और 9 इसका बचा हुआ है, तो 9 अपॉन x प्लस 3 मेरा ऐसे आ गया और dx इसको सेपरेट ऐसे कर दिया। क्लियर है कि नहीं है? तो ये 5/2 तो क्योंकि सभी के लिए कॉमन है, इसके लिए 5 कॉमन है, 2 दोनों के लिए कॉमन है, तो वो तो सबसे बाहर रहेगा, बाकी वहां बचा हुआ है और dx है, ठीक है इंटीग्रेशन का, यहां इंटीग्रेट कर रहे हैं dx ओवर 2 तो बाहर आ गया, कितना बचा x प्लस 1 और लिमिट आई आपकी 1 to 2। बस देख लीजिए कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे, ठीक है ना, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं, अगर किसी को प्रॉब्लम लग रही है इसमें तो वो अपनी एक्सरसाइज 7.5 को जाकर इंप्रूव करे, ठीक है ना, इसकी गलती नहीं है इस एक्सरसाइज की, ठीक है। अभी समझ में आ गया स्टूडेंट्स, देख रहे हैं अभी आगे क्या होगा, तो पता चलेगा कि आगे ये होगा
बस मुझे इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व करकर उठाकर मुझे यहां रख देना है, फाइव में से माइनस कर देना है, बस खत्म हो जाएगी बात। देखिए स्टूडेंट्स इसे मैं सॉल्व करूंगा, फाइव बाई टू इतना है, इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेट बहुत आसान है, तभी उसी के लिए तो हमने इतना काम किया था, मेहनत की थी उसके लिए। नाइन बाहर आएगा डी एक्स अपॉन ये, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री बन जाएगा, तो नाइन टाइम्स लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और लिमिट लगा देते हैं वन टू टू, माइनस के साइन के साथ लॉग ऑफ एक्स प्लस वन आएगा, और लिमिट लगा देते हैं वन टू टू, क्लियर है कि नहीं। अभी स्टूडेंट्स 5 बाई टू को ऐसे कर कर लिखेंगे और आराम से लिमिट को प्लेस करते हैं, नाइन ऑफ लॉग अपर लिमिट 2 प्लस थ्री फाइव हो जाएगा, अपर लिमिट रखी ऐसे करता हूँ, नाइन इसके लिए ऐसे कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, इसमें क्योंकि लिमिट्स प्लेस करूंगा ना, फाइव हो गया, माइनस कर कर एक बार लोअर लिमिट रख रहा हूँ, वन प्लस थ्री कितना होता है फोर, लॉग ऑफ फोर हो गया। अब ये लगाने की जरूरत नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट्स मॉड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स, ये हो गया माइनस, यही काम इसमें भी करता हूँ। देखिए एक बार अपर लिमिट रखूंगा, नेगेटिव बड़ा ब्रैकेट ऐसे ले लेता हूँ, एक बार अपर लिमिट रखूंगा टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, माइनस कर कर एक बार लोअर लिमिट रखूंगा तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो लॉग ऑफ टू हो जाएगा। अरे बहुत वॉच वॉच हो गया यहाँ पर, ठीक है, माइनस के साथ लॉग टू ऐसे लिख दिया, समझ में आनी चाहिए बात, ठीक है, मैं बता देता हूँ मैंने किया क्या। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो नाइन था नाइन लिखा, लॉग ऑफ एक बार वैल्यू प्लेस करी अपर वाली तो लॉग ऑफ फाइव हो गया, एक बार लोअर रखी वन प्लस थ्री फोर हो गया, नेगेटिव लगा दिया, यहाँ माइनस का साइन था माइनस का साइन रखा। और ध्यान देने वाली बात थी कि ये सिर्फ जो नाइन है ना सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लाई है, सिर्फ इतने के साथ ही मल्टीप्लाई है, ठीक है, उसके साथ नहीं है। माइनस का माइनस रखा, लॉग ऑफ टू प्लस वन थ्री हो गया, अपर लिमिट रख दी, माइनस कर लोअर लिमिट रखी वन प्लस वन टू हो गया, क्लियर है कि नहीं। अभी स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, फाइव बाई टू जो मेरा दिख रहा है उसे ऐसे रखता हूँ हर पर, यहां से क्या बना जरा देखें, नाइन तो नाइन रहा, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ ए अपॉन बी, फाइव बाई फोर, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, सब हमारी बात, ठीक। माइनस के साथ लॉग ऑफ ए और ये लॉग ऑफ बी फिर से माइनस हो गए, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो उसे भी लॉग ऑफ ए अपॉन बी बोला जा सकता है, यानी कि लॉग ऑफ थ्री बाई टू बोला जा सकता है, समझ में आया। अभी कुछ नहीं करना, जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, फोर नाइन जा मल्टीप्लाई करना ही सही रहेगा ना, ठीक है, मल्टीप्लाई करें या उठाकर इसे डाल दें, क्योंकि मल्टीप्लाई करके फायदा तो ज्यादा लग नहीं रहा, क्योंकि वो और ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और उससे क्या होगा। तो बस यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ आई की, देखिए आई ही निकल रहा है इतनी देर से, तो वो ये जो आंसर आया उसको उठा के यहाँ रखूंगा आई के प्लेस पर। देखिए स्टूडेंट्स क्या रखना है, हमें लिखना है यहाँ पर फाइव, हमारा आंसर निकल रहा है, ओवरऑल आंसर निकल रहा है, ध्यान रखें ये निकल रहा है ओवरऑल आंसर, माइनस आई, आई की वैल्यू लिखता हूँ फाइव बाई टू और इन ब्रैकेट नाइन लॉग ऑफ फाइव बाई फोर माइनस लॉग ऑफ थ्री बाई टू, इससे ज्यादा सॉल्व हो भी नहीं सकता, इतना ही सफिशियंट। अब लगता है फाइव कॉमन लेना है तो फाइव कॉमन ले, लेकिन ज्यादा फायदा उससे नजर नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं है। बस स्टूडेंट ये आपका रिजल्ट है, ठीक है, तो ये रिजल्ट, ठीक है ना। अभी आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन ठीक था, मतलब इस एक्सरसाइज सारी मैंने हाँ एक काम की बात बता दूं, जब भी डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन आएगा ध्यान रखना लास्ट में कभी वेरिएबल नहीं बचनी चाहिए आपके, ऐसा नहीं कि कोई एक्स में आंसर बचा, अगर ऐसा बचा तो तुरंत समझ जाना कि आपने लिमिट रखना भूल गया। जैसे मेरे उसमें पूरा आंसर प्रॉपर है ना, मतलब कोई भी एक्स एक्स वाई जैसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब मैंने लिमिट सारी यूज करी है, रख दी है इसका मतलब, ठीक है ना। अभी स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं जी अभी तो 17 है, 16 ही कह रहा है तो। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17, मतलब चलिए कोई बात नहीं, यही एक थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, इसमें लेंदी मतलब इनके कंपैरिजन में, ठीक है, वरना तो इससे लेंदी करें हमने। 0 टू पाई बाय 4 2 sec स्क्वायर x प्लस x क्यूब प्लस 2 टाइम्स dx, 2 sec स्क्वायर x प्लस x क्यूब प्लस 2 टाइम्स dx, 0 टू पाई बाय 4 इसे इंटीग्रेट करना है। तो स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे, हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर रहा हूं, देखिए 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x हो गया, और साथ ही साथ लिमिट्स लगाते हुए चलता हूं, यानी 0 टू पाई बाय 4, क्लियर है। अभी स्टूडेंट्स यहां पर देखता हूं प्लस कर x क्यूब का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 4 ओवर 4, क्लियर है, लिमिट लगा देता हूं 0 टू पाई बाय 4, साथ ही साथ लिमिट भी लगाते हुए चलता हूं, 2 ऑफ dx इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 ऑफ x आंसर आएगा, लिमिट लगा देता हूं 0 टू पाई बाय 4, बस फिनिश। अभी 2 ऑफ 10x था, तो 10x में एक बार अपर लिमिट रखते हैं तो 10 पाई बाय 4 हो जाएगा, माइनस कर एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो 10 ऑफ 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर,
1 बाय 4 को बाहर निकाल देता हूं, एक बार x के प्लेस पे अपर लिमिट रखता हूं, दैट इज पाई बाय 4 रेस टू द पावर 4, और एक बार लोअर लिमिट की पावर 4 करूंगा तो फायदा होगा नहीं, 0 की पावर 4 0 ही हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स यहां पर 2 है, 2 को 2 लिखा, x यानी कि पाई बाय 4 माइनस x लोअर लिमिट यानी 0, प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है, ठीक है, बस 2 हो गया, 10 पाई बाय 4, 10 0 का आंसर तो 0 ही होता है, और ये 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 का आंसर हम सब जानते हैं 1 होता है, प्लस 1 बाय 4, 1 बाय 4 हो गया, पाई बाय 4 का पावर 4 को ऐसे ही लिख लेता हूँ क्योंकि 0 का माइनस करना कोई मीनिंग नहीं रखता, प्लस 2 इंटू 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये पाई बाय 2 हो जाएगा। सॉल्व अगर कुछ हो सकता है तो कर लेते हैं, 2 1 2 हो जाएगा, पाई की पावर 4 को ऐसे लिख लेते हैं, पाई की पावर 4, 4 की पावर 4 कितना होता होगा, असल में 4 की पावर 4 तो है और एक और 4 है, तो नीचे 4 की पावर 5 हुआ कि नहीं मुझे बताइए, और प्लस पाई बाय 2। सॉल्व कर सकते हैं तो कर लें इसे, जैसे कि 4 इंटू 4 कितना होता है 16, और 16 इंटू 16 256, 256 इंटू 4, 4 6 24, और 4 100 1020 ऐसा कुछ होगा, ठीक है, तो 4 की पावर 5 है ना, इसे लिखा हुआ 4 की पावर 5 को ऐसा बोल सकते हैं, 4 की पावर 4 इंटू 4, और 4 की पावर 4 का मतलब है 16 इंटू 16, तो 256 इंटू कितना हो गया, अच्छा 4, ये हुआ 1024 टाइप का कुछ हो गया, ये 1024 टाइप का कुछ हो, चेक भी कर लेना बाद में आप, पाई रेस्ट टू द पावर 4 1024 और प्लस पाई बाय 2 ऐसा बोल सकते हैं इसको, लेकिन मुझे लगता है इतना भी छोड़ देंगे तो ये भी शायद मैच कर सकता है, देख लेना जो दोनों में से आंसर होगा, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता सॉल्व, अब पाई कॉमन निकालने जैसी बात कोई मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, ठीक है ना, देख लिया स्टूडेंट्स आपने, तो ये इजी क्वेश्चन था, बस छोटा सा कैलकुलेशन था इसमें, ठीक है ना, क्वेश्चन में कुछ भी टफनेस नहीं थी, इससे पहला वाला क्वेश्चन टफ तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा ये था कि थोड़ा सा लेंदी था इन कंपैरिजन में इनके क्वेश्चनों के, ठीक है ना, अभी देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18, लिखा हुआ है 0 टू पाई साइन ऑफ स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 ऑफ dx, ठीक है, तो स्टूडेंट्स 18 क्वेश्चन आपके पास जो दिया हुआ है ये आपके सामने है, ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स क्या करना है, यहां पर देखेंगे कि आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x, क्या आपको याद है 11th क्लास का, पहले मेरी बात जरा ध्यान से सुन लें, अगर ना कोई जानता ना होता, किसी के मन में ग्रिप ना बनी उस फॉर्मूले की, वो क्या सोचेगा, मैं ये भी बता देता हूं, अगला ये सोच सकता है जिसने अभी तक मेरी सारी बातों को ध्यान से सुना हुआ है लेकिन किसी तरीके से 11th नहीं पढ़ पाए थे, ठीक है ना, मतलब नहीं देखा था ध्यान से, तो वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला क्वेश्चन है, यानी कि ये बोलेंगे कि जैसे साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2 एक्स बाय 2, कॉस स्क्वायर एक्स को हम 1 प्लस कॉस 2 एक्स बाय 2 बोलते थे, तो वो ऐसे करके सेपरेटली सॉल्व करेंगे जो कि लेंथी जाएगा लेकिन आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन 1 और 2 मार्कर हो सकता है और वहां आप इतना लंबा प्रोसेस करें तो फिर टाइम जाएगा आपका, और वहां पर टाइम क्वेश्चन के नंबर से बढ़कर है, ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशंस में हमारे सामने क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्वेश्चन हमारे माइंड में सेट होना चाहिए कि बात तो सही है उससे हो सकता है, लेकिन क्यों ना इससे करें, क्योंकि ये फॉर्मूला बना हुआ है, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स सिमिलर है इसके, अगर आपको लग रहा हो कि वहां एक्स बाई टू है तो यहां क्लियर करते हैं बात को, ये एक्स है ये एक्स है, तो वहां क्या हो गया 2x, यानी कि जो यहां आर्ग्यूमेंट था उसका 2 टाइम्स वहां हो गया, तो अगर मैं कहता हूं कि आर्ग्यूमेंट एक्स बाई टू होता तो हमें समझ में आया था कि जो आर्ग्यूमेंट रखा जाएगा उसका 2 टाइम्स वहां आएगा, यहां आर्ग्यूमेंट x बाई 2 रखा तो x बाई 2 का 2 टाइम्स कितना होगा बताइए, x नहीं होगा क्या, x बाई 2 का 2 टाइम्स 2 2 कैंसिल x होगा बस, लेकिन फिर भी यहां थोड़ी सी सिमिलैरिटी नहीं है, नेगेटिव का फर्क है, नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं, तो ये साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर x बाई 2 होगा नहीं होगा बोलिए, तो यहां कॉस x बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा, समझ में आया कि बस खत्म हो गई बात, ये इतने के लिए, तो मैं कहता हूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जानबूझकर इसीलिए दिया जाएगा आपको ताकि आप टाइम बर्बाद करें, वहां पर एक नंबर के क्वेश्चन में आप लंबा काम करें, इसलिए आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, मतलब ऐसा हैवी क्वेश्चन नहीं है और हैवी क्वेश्चन आते भी नहीं एग्जाम में, एक एवरेज क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये उस वैरायटी का क्वेश्चन है। तो जैसे ही आपने समझा कि इसको तो माइनस कॉस एक्स लिखा जा सकता है क्योंकि ये वहां शिफ्ट होगा माइनस से ले जाएगा, तो आपने समझ लिया 0 टू पाई और इसको आपने माइनस कॉस एक्स बोल दिया सीधे सीधे, अभी इंटीग्रेट नहीं करा ध्यान रखिए, बस सिंप्लीफाई करा माइनस कॉस एक्स, अब करते हैं इंटीग्रेट, हमें पता है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स होता है तो प्लस साइन एक्स हो गया, ध्यान रखिए माइनस उसका है, 0 टू पाई हो गया, अब वैल्यू प्लेस करूंगा एक बार अपर लिमिट तो साइन पाई हो जाएगा, माइनस कर एक बार लोअर लिमिट तो साइन 0 हो जाएगा, अपर लिमिट जब रखूंगा साइन पाई जब मेरे पास है तो साइन पाई का आंसर 0 होता है, आप जानते हैं सब साइन 180 का आंसर 0,
इसका आंसर भी जीरो होता है, साइन ओवरऑल आंसर जीरो हो गया। ये आना चाहिए, ठीक है, छोटी सी बात है, आनी चाहिए आप लोगों को, क्लास इलेवंथ में हमने अच्छे ढंग से पढ़ी हुई है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 मार्कर के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर देखिए, आपने क्वेश्चन नंबर कौन सा था अभी, 18 था, 19 क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 6x+3 ओवर x² + 4, x² + 4। पहले तुरंत अपने आप डिसाइड करें क्वेश्चन किस एक्सरसाइज का है, तब आगे की बात बढ़ाएं, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया कि ये क्वेश्चन काफी हद तक अगर देखा जाए तो सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, और उसमें भी ये क्वेश्चन लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म का है, यानी कि ये 7.4 और 5 का भी क्वेश्चन है, देखा जाए तो 7.4 और 5 का भी ये क्वेश्चन है, 7.4 के 16 क्वेश्चन से आगे वाले क्वेश्चनों के टाइप का ये क्वेश्चन है देखा जाए तो, अगर अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन से भी ये हो सकता है, ठीक है। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि क्या आप इसे 7.4 के 16 क्वेश्चन के आगे वाले क्वेश्चनों के पैटर्न से करना पसंद करेंगे या सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि मुझे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट होता भी दिखाई दे रहा है, बिना किसी ए और बी की वैल्यू के लिए भी सब्स्टिट्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बातें मैं रिलेट कर रहा हूँ वहीं से, तभी आपको भी आ सकती है, ठीक है ना, ध्यान रखें। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, मुझे बेटर जो लग रहा है करना, वो लग रहा है सब्स्टिट्यूशन से करना, इसे एक्सरसाइज 7.2 से करना ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू एक्सरसाइज 7.4, ध्यान रखना। क्यों मैं कह रहा हूँ, देखिए 6x+3 जो लिखा हुआ है, इसे 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर 2x+1 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, बस नीचे x² + 4 बचा हुआ, ऐसे करके मैं कह रहा हूं कि जो मेरे माइंड में चल रहा है मैं उसे लिख रहा हूं, ठीक है, ज्यादा बोल नहीं रहा, 2x dx है, मुझे दिख रहा था कि ऐसे कर देते इसे अगर, और 3 ओवरऑल ले लेते बाहर, और लिमिट्स ले लेते 0 to 2, और ये 0 to 2, और प्लस कर लेते, और यहाँ 1 dx dx हो जाता, और वो नीचे x² + 4 हो जाता, और ये 0 to 2 हो जाता, और ये ऐसा हो जाता, क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट्स। हुआ क्या, इसको टी मानते ही 2x dx आएगा, और वो ऊपर रखा हो आपके पास, और बाकी ये तो बहुत इजी फॉर्मूला बना हुआ, क्योंकि 4 है तो 4 को 2² बोल सकते हैं, ये तो देखिए a² + x² का फॉर्मूला बन गया, बस सॉल्व करना है, छोटा सा कैलकुलेशन, 3 लिखा 2x dx, मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि x² + 4 को t मान लेता हूँ, t मानते ही ये 2x होगा, और ये dt/dx होगा, और dx यहाँ शिफ्ट होगा, 2x dx अपना आंसर dt देगा, 2x dx अपना आंसर कितना देगा, dt देगा, और नीचे पर आपके पास t आपने सपोज किया हुआ है, लेकिन तुरंत समझ में आया कि लिमिट रखते समय कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि आपने सब्स्टिट्यूट किया, तो मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने इसे सब्स्टिट्यूट किया वैसे ही लिमिट भी सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, अदरवाइज आपकी मर्जी थी कि इसको t को रिप्लेस कर लेते x की फॉर्म में, और लिमिट वापस ये डाल लेते, आप पर डिपेंड है। और मैं दूसरा वाला मेथड ले रहा हूँ, कौन सा वाला, कि लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ बस, बाकी सॉल्व कर लूंगा। मैंने बोला कि जब एक्स जीरो था, जब एक्स कितना था, जीरो था, देन टी इज इक्वल टू व्हाट, जब एक्स जीरो था तो टी कितना आया, 4, और जब एक्स 2 था तो टी कितना आया, 2² + 4, दैट इज 8। समझ में आया कि लिमिट 4 to 8 रखनी चाहिए 0 to 2 के प्लेस पर, समझ में आ रही, 3 सबके लिए कॉमन है, इन दोनों के लिए, पूरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, प्लस कर वो 3 सबके लिए कॉमन था, ठीक है। बाकी यहां बचा dx, अब ये तो सिंपल फॉर्मूला बना, 1/a tan इनवर्स x/a, मतलब 2x / a, यानी x/2, और लिमिट रख दी मैंने इस पे, कौन सी, 0 to 2। अब कभी कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि यहां लिमिट ये रखी है और यहां लिमिट ये क्यों रख दी, यहां इसलिए बदली क्योंकि यहां पर फंक्शन t का हो गया, इसलिए t की ही लिमिट रखी है, यहां फंक्शन x का ही है इसलिए लिमिट x की ही है जो शुरुआत से थी। दोनों को सॉल्व करते हैं, इसे लिखूंगा मैं क्या, 3 dt/t का आंसर कितना आ जाएगा, log t, कितना आ जाएगा, log ऑफ t। अब t को रिप्लेस करने की गलती मत करना क्योंकि आपने लिमिट्स बदल ली है, तो t पर ही लिमिट लगाओ सीधे सीधे, किस पर लिमिट लगाओ, t पर ही लिमिट लगाना, अब t को सब्स्टिट्यूट मत करना गलती से भी, ठीक है ना, t पर ही लिमिट लगा के आगे बढ़ जाना। और आपको लगता है कि t को सब्स्टिट्यूट करेंगे जो लिखा था, तो लिमिट मत बदलो फिर, ठीक है ना, मेरी बात क्लियर होनी चाहिए, ये बात जो मैं इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, ठीक है ना। प्लस 2 मतलब आधा अधूरा सा सीख के मत चलना स्टूडेंट्स, फिर फंस जाओगे, ठीक है ना। 1/2 tan inverse x/2, तो tan inverse x/2, एक बार अपर लिमिट रख देता हूँ इसमें तो 2/2 हो जाएगा अपर लिमिट रखने के बाद, और एक बार लोअर लिमिट रख देता हूँ तो 0/2 हो जाएगा, ठीक है, एक बार अपर लिमिट रख दी माइनस कर एक बार लोअर लिमिट रख दी, क्लियर है कि नहीं है।
अब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, थ्री सबके साथ बाहर पर है, थ्री लिखूंगा लॉग ऑफ, अपर लिमिट लगाऊंगा एट हो जाएगी, माइनस कर ऐसे कर लोअर लिमिट लगाऊंगा लॉग ऑफ फोर हो जाएगा, इतना हो गया क्लियर है। प्लस ऊपर वाली चीज को लिखता हूं, और ध्यान रखें थ्री सबके साथ मल्टीप्लाई में, थ्री ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन में, शुरुआत से देखेंगे तो थ्री ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन में, इसलिए आगे की चीज यहां लिख रहा हूं, हाफ टेन इनवर्स टू बाई टू कितना हो गया वन, तो टेन इनवर्स वन का आंसर इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इस बार टेन इनवर्स वन का आंसर पाई बाय फोर, देखते हैं आपको आता है कि नहीं आता, टेन इनवर्स इसका वन का आंसर मैंने डायरेक्ट पाई बाय फोर लिख दिया, और यहां तो टेन इनवर्स जीरो का आंसर जीरो ही होता तो जीरो ही रहा, तो यहां सिर्फ इस चीज का आंसर ये बचा, थ्री बाहर मल्टीप्लाई में था, अंदर जो जो बचा उसे लिख लेते हैं, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, तो लॉग ऑफ ए अपॉन बी और प्लस कर पाई बाय एट, तो थ्री टाइम्स लॉग ऑफ फोर टू जा कितना होता है एट, तो थ्री लॉग टू हुआ और प्लस पाई बाय एट बचा, तो स्टूडेंट हियर इज योर रिजल्ट, समझ में आ रही बात, चाहे तो थ्री को मल्टीप्लाई करते थे लेकिन सही रहेगा थ्री बाहर ही रहे, कॉमन अच्छा लगता है, कॉमन बाहर ही रहे क्योंकि एक्सपेंड होने से ज्यादा बेहतर नहीं है, थ्री ऑफ लॉग टू प्लस पाई बाई एट, क्लियर है कि नहीं स्टूडेंट, से आपका रिजल्ट है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान रखें छोटी छोटी बातें ध्यान रखने लायक होती हैं क्वेश्चन, जैसे कि यही वाली कि सब्सटीट्यूट करते समय ध्यान रखें लिमिट्स को कैसे सब्सटीट्यूट करना है नहीं करना है वो आप पर डिपेंड है, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि आप दो मेथड में से आधा मेथड यहां से लें और आधा यहां से लें तो सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ठीक है ना, 20 लिखा हुआ है 0 टू 1 x e रेस टू द पावर x प्लस साइन ऑफ पाई बाय 4 टाइम्स x, ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन, आराम से जरा समझना, ठीक है देखते हैं क्या होगा, ठीक है होगा ये कि आप ऐसा कर नहीं सकते क्या कि 0 टू 1 x e x, पहले मैं इन्हें क्या कर रहा हूं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं आपस में, ठीक है 0 टू 1 sin पाई बाय 4 टाइम्स x dx, क्लियर है। अब ये देखते ही मुझे समझ में आ रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है पहले आप बताएं, ठीक है ना, मुझे हाँ अगर आपको समझ में आ रहा है बाई पार्ट है तो बिल्कुल सही है, आप बाई पार्ट है तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है, और बाई पार्ट में फॉर्मूला आपको याद होगा 1d सेकंड का dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन करते थे, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते थे और ओवरऑल में डीएक्स लगाते थे, आप लोगों ने बताया था मुझे, बहुतों ने बताया भी कि जो फॉर्मूला है वहां पर आईलेट लग सकता है एक चीज होती है, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं कराया, जब मैं पढ़ता था क्लास 12 मैंने टीचर के मुंह से सुना था एक बार ऐसा बोलते हुए कि उन्होंने कहा था कि ये फॉर्मूला कभी कभी एप्लीकेबल नहीं होता, ऐसा उन्होंने कहा था, ठीक है भले ही मुझे हर समय वो एप्लीकेबल होता हुआ दिखाई दिया वो चीज जो आप आईलेट बोलते हैं, लेकिन मैंने फिर आपको बोला नहीं, मैंने सोचा कि क्या पता कहीं नहीं होता हुआ, इसलिए मैंने भी ज्यादा नहीं बोला उसे, ठीक है मुझे पता है वो कभी कभी नहीं होता फॉर्मूला आईलेट वाला, कभी कभी यूज नहीं होता, ढंग से एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने आपको तरीके से बताया था, मैंने आपको बताया था कि क्यों हम फर्स्ट और सेकंड क्यों मानते हैं, क्योंकि अगर आप आईलेट को चलिए ध्यान भी रख लेना, अगर आप आईलेट को कि आईलेट होता है कुछ, लेकिन वो उससे क्या सेंस आ रहा है, वो तो याद करना ऐसा हो गया कि आईलेट होगा हम प्रोसीजर देखेंगे फिर, तो हम अंदर गहराई में जाकर समझे कि क्यों अरेंजमेंट किसको पहले देना है, हम समझ रहे हैं कि सेकंड में उसी को डाला जाएगा, जैसे कि अभी मुझे बताइए अगर मैं सेकंड में एक्स को डाल दूं घाटे में रहेंगे, क्योंकि जब मैंने आपको बाय पार्ट का पहला क्वेश्चन कराया था दो तरीके से करके दिखाया था और समझाया था कि क्यों उसको और क्यों उसको सेकंड और फर्स्ट लेते हैं, होता क्या है एक्स को सेकंड लेने से पावर इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि इंटीग्रेट कर पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगी, जबकि डिफरेंशिएट करने पर एक्स की पावर कम हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी और रिड्यूस करने से वो गायब हो जाएगा, देखते हैं करके मैं कह रहा हूं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेना बेटर रहेगा, तो मैं बोलूंगा फर्स्ट फंक्शन एक्स हो गया सेकंड फंक्शन ई की पावर एक्स हो गया, उसका इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, ध्यान रखें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कह रहा हूं, जब भी बाय पार्ट में लिमिट लगती है तो कैसे सॉल्व करना है मेरी बात बहुत ध्यान से समझ जाए, यहां पर इसका आंसर इसी पर एक्स आ गया ना, तो ऐसा ना करें कि इसी इसी पर लिमिट लगा दें, इस पूरे ओवरऑल पर लिमिट लगाएं वही वाली जो थी 0 टू 1, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये गलती से भी मत भूलना, ये बातें ना बहुत आगे तक काम आती है स्टूडेंट्स, आगे जब हम पढ़ते हैं ट्वेल्थ के बाद भी जब हम कुछ करते हैं वहां पर ना ऐसी चीजें यूज होती है, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई होती है आगे शुरू हो जाती है, तो वहां पर हम जब करते हैं लिमिट के अंदर जब सॉल्व करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करने के लिए तो हमें बाय पार्ट का ही अक्सर इस्तेमाल होता है, मैंने पहले भी कहा था कि बाय पार्ट यूज होता है, ऐसे लगाना लिमिट, ठीक है माइनस हो गया ये लिमिट के अंदर है 0 टू 1 ऐसे कर और d बाई डी एक्स ऑफ ये फर्स्ट फंक्शन x का कितना देगा 1 जो मैं कह रहा था गायब हो गया, सेकंड फंक्शन e की पावर x की लिमिट लगी तो e की पावर x dx ऐसे करके आएगा
क्लियर है कि नहीं? e की पावर x dx है। अब e की पावर x एक बार इंटीग्रेट हो चुका था तो उस पर ऐसे करके लिमिट लगी, कौन सी, 0 टू कितनी है 1, इस पर लिमिट लगेगी तो एक बार 1 आएगा, एक बार e की पावर 1 आएगा, माइनस कर एक बार 0 आएगा और एक बार e की पावर 0 आएगा, ये तो होगा। यहां पर अगर आप काम करें अपना e की पावर x dx ऐसा करके आया होगा आपके पास, और अगर आप इसे सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, e की पावर एक बार अपर लिमिट आएगी 1 हो जाएगा, माइनस करके e की पावर लोअर लिमिट आएगी 0 हो जाएगा, और फिर dx करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये तो e की पावर 1 हो गया और ये 0 हो गया, तो e की पावर 1 मतलब e बचा माइनस के साथ। यहां इसे सॉल्व करना है, e की पावर 1 तो e की पावर 1 ही रहा, चलिए अभी फिलहाल नहीं करता हूं इंटीग्रेट, e की पावर 1 e की पावर n, e की पावर 0 कितना हो गया माइनस 1। क्लियर है कि नहीं है? अभी स्टूडेंट्स e लिखा माइनस कर यहां पर मैं सॉल्व करता हूं, e की पावर 1 इंटू dx, ठीक है ना, इसे सॉल्व करना है। वैसे देखें तो e की पावर माइनस e माइनस 1 है क्या, एक नंबर, और नंबर है तो इसे बाहर ले लो पहले से, और dx का इंटीग्रेशन कर लो जो कि x होगा, और x पे लिमिट लगा दो 0 टू 1, समझ रहे हैं, ये एक नंबर है, e की वैल्यू होती है ना कुछ 2.303 ऐसी कुछ, ठीक है। तो यहां से e बचा, माइनस कर क्या क्या बचा, e माइनस 1 ऐसे बचा हुआ, और एक बार अपर लिमिट आएगी 1 और एक बार लोअर लिमिट आएगी 0, तो 1 माइनस 0 इतना ही जाएगा, तो e 1 माइनस 0 1 ही होता है, तो उसको हटाई देता हूँ, कोई जरूरत नहीं। अब क्या बचा, बचा ये e माइनस 1, ये बचा हुआ, इस e ने इस e को कैंसिल कर दिया, माइनस माइनस स्टूडेंट्स प्लस 1 आ गया, तो इसका रिजल्ट आपके पास आ रहा है प्लस 1। अच्छा अच्छा, अभी हमने सिर्फ इसी चीज को सॉल्व किया ना, अभी ये बचा हुआ है, इस तरफ से सॉल्व करना स्टार्ट किया हमने, सिर्फ इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, इसका आंसर बने, यानी सिर्फ इसका आंसर बने, इसका ये बचा हुआ है, ध्यान रखेंगे बात को आप, ये बचा हुआ है, ठीक है ना, तो मैं रब कर लेता हूँ, देखिए अभी वो बचा हुआ है, ध्यान रखिए साइन वाला बचा हुआ है, इसको इंटीग्रेट नहीं किया, इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है ना। आप पैरेलली सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो ध्यान भी नहीं रहा, और चलिए कोई बात नहीं। अभी सॉल्व करना बचा हुआ है 0 टू 1 साइन ऑफ पाई बाय 4 एक्स, ईजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, साइन ऑफ एक्स टाइप का है, तो हम बोलेंगे साइन एक्स का आंसर कॉस ऑफ एक्स होता है, तो कॉस ऑफ ये हो गया एक्स, विद नेगेटिव साइन भी होता है, ध्यान रखना, 0 टू 4 रख दिया, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि क्यों नहीं हुआ कंप्लीट, कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक्स का कोफिशियंट कोई था, इसको दोबारा चेन रूल लगाना पड़ेगा, पाई बाय 4 डिफरेंशिएट कर आंसर आएगा, पाई बाय 4 से डिवाइड कर देंगे, तो पाई बाय 4 से डिवाइड करने का मतलब 4 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है, आराम से सॉल्व करेंगे, एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो 4 बाय पाई जो आया ना उसे बाहर ऐसे ले लें, एक बार इस पर अपर लिमिट रखेंगे तो पाई इंटू 1 पाई हो जाएगा पाई 4, एक बार अपर लिमिट रख के आया 4 बाय पाई बाहर निकल चुका है, ठीक है, और एक बार माइनस कर लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस 0 आएगा, कॉस 0 का आंसर माइनस, कॉस 0 का आंसर 1 होता है, तो अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट होता है ना वो माइनस है, ठीक है, और बाकी कॉस 0 आया, कॉस 0 का आंसर 1 होता है। तो स्टूडेंट्स ये कितना निकल गया, माइनस 4 बाय पाई कॉस पाई बाय 4 का रिजल्ट होता है रूट 2 माइनस 1, मतलब हमारे पास जो रिजल्ट आया इसका तो 1 आगे था, प्लस कर इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, माइनस का 4 पाई रूट 2 माइनस का 1, ऐसा रिजल्ट स्टूडेंट्स इसका निकल कर आ रहा है। क्लियर, समझ में आ रही है बात, तो इस तरह से आप इसे करेंगे, ठीक है ना, क्लियरिटी है पूरी पूरी, तो ये आपका रिजल्ट आ रहा है। अब आप इसे देख लेना, अरेंजमेंट अगर और देना होगा दे देना, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 हमने देख लिया, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, और हमारे पास फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जैसे हर बार होते हैं हर एक्सरसाइज में, ठीक है ना। लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 एंड 22, 21 क्वेश्चन है 1 टू रूट 3 डीएक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 22 क्वेश्चन है 0 टू 2 बाय 3 डीएक्स ओवर 4 प्लस 9 एक्स स्क्वायर, इनको सॉल्व करना है, देखिए जरा आराम से इसे सॉल्व करना है, ये 1 का स्क्वायर तुरंत समझ में आया, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की फॉर्म है, तुरंत आंसर निकल कर आया 10 इनवर्स x बाय a, 1 अपॉन a, तो a की वैल्यू क्योंकि 1 है तो 1 अपॉन 1 1 ही हो जाएगा, तो 10 इनवर्स x अपॉन a और a फिर 1 है, तो ये इतना ही आंसर देगा आपने, ठीक है ना। और हम जानते भी है कि 10 इनवर्स x का डायरेक्ट आंसर होता था, वैसे 1 रूट 3 रखा, अपर लिमिट रखेंगे तो 10 इनवर्स एक बार अपर लिमिट आएगी, माइनस कर एक बार लोअर लिमिट आएगी 10 इनवर्स 1, तो स्टूडेंट्स 10 इनवर्स रूट 3 का आंसर 10 इनवर्स 10 पाई बाई कितना होता है 60 था ना, ये 60 तो 3 होता है माइनस, ये 10 इनवर्स कितने की वैल्यू है 10 पाई बाई 4 की, इसने इसको कैंसिल किया, बचा क्या पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4,
तो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे 4 पाई माइनस 3 पाई कितना देगा पाई और ओवर 4 3 जा 12 ये इसका रिजल्ट है, अभी चेक कर लेंगे ठीक है बाद में। समझ में आ गई बात, अभी यहां देखते हैं इसको सॉल्व करना है, ये आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 पर जाए, कौन सा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था आपके पास आया था इससे पहले, क्वेश्चन नंबर हाँ बिल्कुल सही बोला मैंने, क्वेश्चन नंबर 14 पर जाएं, उस वैरायटी का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन वहीं से आया 7.4 से निकलकर। आप देखेंगे करने का मतलब होता है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है, उसके लिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 होना चाहिए, 1 बनाइए उसे 0 टू 2 बाय 3 कहकर dx ओवर उसे 1 बनाना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, तो कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 हो गया कोफिशिएंट और वो 4 के फॉर्म में 9 आ जाएगा। ये मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, ये मैं पढ़ा चुका हूं ठीक है ना, मैं बता रहा हूं रेफरेंस दे रहा हूं सारी बातों का, मल्टीप्लाई करके देखें वही बनेगा। तो 9 को चाहें तो आप ऐसे करके बाहर ले लें, अभी अपने आप में बना बनाया सब कुछ दिख रहा है, क्या ये दिख रहा है अपने आप में कि परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, आगे कुछ करने की जरूरत है नहीं। dx है ओवर में x स्क्वायर है प्लस 2 बाय 3 का होल स्क्वायर है। समझ में आया कि वो dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दोबारा बना, 1 बाय 9 को ऐसे का ऐसा ही लिखा, तो उसे 1 अपॉन a वाला उसमें फॉर्मूला लग रहा है 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a x x हुआ a 2 बाय 3 हुआ। स्टूडेंट्स 1 बाय 9 ये हुआ, 1 अपॉन 2 बाय 3 ये हुआ, tan इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए का मतलब हुआ कि 3 ऊपर चले गया 3x हो गया और 2 नीचे आ गया, ऐसे इसने इसको 3 टाइम्स कैंसिल किया तो 1 अपॉन 3 इंटू 2 6 हो गया, यहां tan इनवर्स 3x बाई 2 बचा, लेकिन आप जानते हैं कि लिमिट्स भी बात कर रही थी यहां पर बीच में और लिमिट थी 0 टू 2 बाय 3 और 0 टू 2 बाय 3, जब लिमिट भी यहां पर थी 0 टू 2 बाय 3 तो लिमिट रखना जरूरी है। अब अगर लिमिट रखना जरूरी है तो रखते हैं, जैसे कि 1 बाय 6 tan इनवर्स, एक बार अपर लिमिट रखूंगा तो थोड़ा देखिए पहले मैं आंसर चेक कर लेता हूं, पहले वाला 21 का हमारा आंसर आ रहा है पाई बाय 12 और पाई बाय 12 डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 21, मैं सिर्फ कर रहा हूं, देख लिया डी एस का आंसर ठीक है, देख लेना। अभी स्टूडेंट्स इसी को आगे प्रोसीड करते हैं, देखिए यहां से आगे देखना, यहां से आगे देखना ठीक है, 1 बाय 6 है tan इनवर्स है, एक बार अपर लिमिट रखूंगा यहां पर तो 3 टाइम्स 2 बाय 3 होल ओवर 2, 3x बाय 2 है ना, x की वैल्यू रख दी 2 बाय 3 और माइनस करकर एक बार लोअर लिमिट रखता हूं तो tan इनवर्स 0 से मल्टीप्लाई को ओवरऑल क्वांटिटी 0 मतलब 0, तो ये 3 ने 3 को कैंसिल करा, 2 ने इस 2 को कैंसिल करा, 1 बचा यहां पर, तो 1 बाय 6 tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 को स्टूडेंट ऐसा नहीं बोल सकते क्या, tan पाई बाय 4 क्योंकि 1 बचा ना यहां पर 1 और 1 को tan पाई बाय 4 बोला जा सकता है, ये tan इनवर्स 0 है, तो चलिए आपको इसको भी बोल के दिखा देता हूं अगर समझ ना आए तो, लिख दिया मैंने इसे tan इनवर्स 0 की वैल्यू लिख दी tan ऑफ 0, tan ऑफ 0 का मतलब ये, इसने इसको कैंसिल किया, 1 बाय 6 बचा हुआ है, यहां पाई बाय 4 बचा हुआ, कितना बचा है पाई बाय 4 बचा हुआ है, माइनस यहां 0 बचा है, तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट आया पाई बाय 24, तो क्वेश्चन ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 22। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी फिनिश हो गया, तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 7.9 ठीक है ना, यहाँ तक हमने देख लिया इंटीग्रेशन में, दो एक्सरसाइज हमारी और बची हैं 7.10 और 7.11, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 8th चैप्टर को समझने के लिए, 8th चैप्टर में देखा होगा आपने कम एक्सरसाइजेस हमारे पास अवेलेबल है, मेरे ख्याल से 8.3 तक ज्यादा से ज्यादा होंगी या 8.2 तक, कारण यही है कि उसका आधे से ज्यादा काम यहाँ पर निपटा दिया गया है 8, 9, 10, 11 ये सब डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए बनी हुई एक्सरसाइजेज है ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने पढ़ा इसे आप रिवाइज करना बहुत जरूरी है, जितना हमने अभी तक पढ़ा इंटीग्रेशन ये सब कुछ कैलकुलस का पोर्शन मैंने आपको जितना करा दिया फिनिश होगा, उसके बाद 8 चैप्टर, उसके बाद 9 चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद फिर वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और फिर बाद में आपका लीनियर प्रोग्रामिंग और फिर लास्ट में आपका प्रोबेबिलिटी, इतने लेसन आपके हैं ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इन सबको रिवाइज करते हैं, जितना पढ़ते हैं उन्हें पढ़ते रहें, इन्फॉर्मेशन के लिए आप सबको बता दूं कुछ स्टूडेंट्स उन्हें पता नहीं रहता सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वीडियो अपडेट चाहिए जैसे कि नोटिफिकेशन जिससे कि वीडियोस पहुंचते हैं वो, लेकिन एक मिस्टेक और आता है सब्सक्राइब करने के बाद एक थोड़ी सी देर बाद एक विद इन सेकेंड एक हमारा एक नोटिफिकेशन की बेल आती है उसे भी प्रेस करना, क्योंकि मेरे से पूछा जा रहा था कुछ दिन पहले, मैंने ऐसा देखा था कि कोई बोल रहा था कि किसी ने पूछा था किसी स्टूडेंट ने कि नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो नोटिफिकेशन इसलिए नहीं मिल रहा होगा शायद क्योंकि आपने उसके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस नहीं किया होगा, ध्यान रखेंगे इस बात का ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।